बाकी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते हैं, थ्री का क्या कंडीशन है? अभी मैंने थ्री पे एक गोल नहीं मारा, मैं थ्री को पे कर रहा हूँ. सो थ्री का क्या कंडीशन है? टेंथ हो गया. सो थ्री का क्या कंडीशन है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई थ्री. जैसे कि आप देखिए, पंद्रह, पंद्रह क्या होता है? वन प्लस फाइव. सम ऑफ द डिजिट्स क्या है? ये अगर टेंस प्लेस पे एक है, यूनिट्स प्लेस पे फाइव है, तो वन प्लस फाइव कितना हो गया? सिक्स. ऐसे ही वन प्लस एट क्या हो गया? नाइन. वन प्लस टू प्लस थ्री क्या हो गया? सिक्स. सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल है थ्री से, इसीलिए नंबर थ्री से डिविजिबल है. ऐसे ही नाइन, नाइन का भी वही रूल है जो थ्री का रूल है, यानी कि वन प्लस एट, वन प्लस एट क्या होता है? नाइन. टू प्लस सेवन क्या होता है? नाइन. यानी कि नंबर नाइन से डिविजिबल है, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो डिविजिबल है नाइन से. थ्री प्लस सिक्स नाइन. अच्छा, थर्टी सेवन क्या होता है? थर्टी सेवन का नाइन से डिविजिबल है? नहीं है, बिकॉज थ्री प्लस सेवन क्या होता है? टेन. राइट. और अगर टेन को नाइन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आती है? मैं टेन को अगर नाइन से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आती है वन. यानी कि 37 को भी अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर आएगी 1. यानी कि 9 का रूल, कंप्लीट रूल ये है कि अगर नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल है, नहीं तो सम ऑफ द डिजिट्स का जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर, ओरिजिनल नंबर का भी रिमाइंडर भी वही होगा. राइट. तो यही रूल 3 और 9 का सेम रूल है. एक और बात निकल के यहाँ से आ रही है कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो थ्री से होना ही होना है, लेकिन जो थ्री से है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नाइन से हो. राइट. जैसे कि वन प्लस फिफ्टीन, फिफ्टीन नाइन से डिविजिबल नहीं है लेकिन थ्री से डिविजिबल है. एटीन नाइन से डिविजिबल है तो थ्री से डिविजिबल है ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए हैं. क्लियर और नॉट? अब आप देखिए बाकी नंबर्स, सिक्स, ट्वेल्व, राइट, 15 भी मैंने दिया नहीं है, मैं 15 भी आगे बताता हूँ आपको. 6 का क्या कंडीशन है? एक नंबर 6 से डिविजिबल है, इसकी क्या कंडीशन है? तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, से 12 क्या 6 से डिविजिबल है? आप लोग अगर 6 का पहाड़ा है पता है तो आप जानते हैं, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, यानी कि 12 6 से जा रही है. क्यों जा रही है 6 से? बिकॉज ये 2 से जा रही है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 2 है, और 3 से जा रही है बिकॉज 1 प्लस 2 3 है. तो एक नंबर 6 से जाएगी, डिविजिबल होगी तभी जब 2 एंड 3 से डिविजिबल है. ऐसे ही 12 का कंडीशन देखें, से एक नंबर है, से 24 का क्या कंडीशन है? मैंने यहाँ पे लिखा है 3 एंड 4, राइट. अगर नंबर 3 से डिविजिबल है एंड साइमल्टेनियसली 4 से डिविजिबल है तो नंबर 12 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 3 से डिविजिबल है ये नंबर, 2 प्लस 4 इज 6, यानी कि 3 से डिविजिबल है. 24 ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल है. तो 12 की कंडीशन में हमने दिया है 3 एंड 4. अब आप ये बताइए, ये जानने की मैंने सोचिए आप यहाँ पे कि 12 में मैंने 3 एंड 4 ही क्यों लिया है? क्योंकि क्या 3 4 ज़ा 12 होता है इसीलिए मैंने 12 लिया, या 2 3 ज़ा 6 होता है इसलिए मैंने 6 के लिए 2 एंड 3 दिया है? कारण इसका ये है कि जब भी ध्यान से देखिए, ये है हमारा कंपोजिट नंबर, हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की वीडियो देखी बनाई थी, तो उसमें आप देखेंगे, उसी से रेफर कीजिए आप. तो कंपोजिट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल में ऐसे पेयर्स लेते हैं जो आपस में को प्राइम होते हैं. तो रेफ आप मेरा वीडियो को प्राइम नंबर्स वाला देख लीजिए, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं. तो ऐसे दो पेयर्स लेते हैं जो आपस में को प्राइम होते हैं और जिनका प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर होता है जिसकी हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं. जैसे कि 15 का क्या होगा अब? 3 एंड 5, बिकॉज 3 एंड 5 आपस में को प्राइम है. तो हमें 3 का तो पता ही है, हमने 3 का पहले ही देख लिया है. 5 का हमें पता ही है, 5 का भी हमने देखा हुआ है. 18 का क्या कंडीशन होगा? 18 का कंडीशन होगा 2 एंड 9, हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, हमें 9 का भी इसमें देखा है. तो अगर जो नंबर 2 एंड 9 से जाएगी, क्यों 2 एंड 9 हमने लिया है? बिकॉज 2 एंड 9 आपस में को प्राइम. तो ये इंपॉर्टेंस है को प्राइम नंबर्स का इन डिविजिबिलिटी रूल. राइट. सो
सारे क्लियर हो गए हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑल द नंबर्स, और आगे भी इसी तरह से और भी नंबर्स होंगे तो हमें पेयर्स लेने पड़ेंगे, कोप्राइम पेयर्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 करके आगे डाल दिया है ताकि, और आपको कभी भी एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे 17, 19, 23 ऐसे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आपसे कभी नहीं पूछेगा, राइट? तो आप उन बारे में मत सोचिए, राइट? इन नंबर्स के बारे में ध्यान दीजिए, राइट? इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैंने एक नंबर मैंने छोड़ दिया है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो मैं देखूँगा।